साला हमारे वहाँ लगाएगा, बाघ खा जाएगा। उत्तराखंड, तेलंगाना, और गई गई ब्यूटिफुल मॉर्निंग हियर इन रूम से, एंड उधर पे पहाड़ पे बर्फ भी गिरा हुआ है। वी गोना स्टार्ट अवर ब्रेकफास्ट, दैट इज आलू का पराठा। इट सीम्स डिलीशियस। कैसा है भाई? अच्छा है। अच्छा है, चलो लेट्स हैव दिस पराठा। एंड बाय द टाइम, हे गाइस, गुड मॉर्निंग, माय नेम इज अभिषेक एंड यू वाचिंग ब्लॉगर एंड मी, वेलकम बैक। कैसा? बढ़िया बढ़िया, गुड मॉर्निंग। सो गाइस, इट्स टाइम टू से गुडबाय टू रूम से। हम इस रेस्टोरेंट में रुके थे, काफ़ी बढ़िया सर्विस थी यहाँ पर, फूड क्वालिटी वॉज ऑसम। सो आई एम श्योर इफ़ यू आर प्लानिंग फॉर लद्दाख, ठंड वाले कपड़े तो आप कैरी करोगे ही सही, वार्म क्लोथ्स। टुडे वी नीड टू हिट मनाली। एक अभी बाइकर दिखा था, ही इज़ कमिंग फ्रॉम ऑल ओवर गुजरात, ही गोना स्टे देयर फॉर 2 मंथ्स, वर्क फ्रॉम होम है बंदे का। तो वो बता रहा था रास्ते में भी, मतलब रास्ता काफ़ी ख़राब भी है मनाली का, और साथ ही साथ टेम्परेचर मनी आएगा पीछे से हल्लू हल्लू, हम निकलता है। आज तो मैंने हाई नेक भी पहना हुआ है और अपना थर्मल तो लगा ही लगाया है, हाँ, बट बहुत टाइट टाइट लग रहा है। मैं तो ये समझो आप, मैं हल्द्वानी में जब रहता है वहाँ मैं सिर्फ एक टी शर्ट में ठंड निकाल देता। 394 है मनाली। अब प्यारा मौसम हो रहा है, बस बारिश ना गिरे दोस्तों, ठंडा ठंडा लग रहा है, बड़ा मज़ा आ रहा है। कहीं कहीं धूप लग रही है, और आप देखो कितनी प्यारी वैली लग रही है, दोनों तरफ से पहाड़, बीच में से रोड। ये मेरा फेवरेट चीज़ है। कल तो अपने को बहुत याक मिले यार देखने को, है कि नहीं? यहाँ नहीं मिलेंगे, क्या बोलता है? गाड़ी तो यहाँ तक गया हुआ है, ऑफ रोडिंग करता हुएगा, ये लोग कैंप वैम्प लगाता है। नॉट बैड। एक तो सबसे बड़ा फायदा यहाँ पर ये है कि इधर पे कोई टेंशन नहीं है जानवर वगैरह का। साला हमारे वहाँ लगाएगा बाघ खा जाएगा, बाघ नहीं मारेगा तो साला अजगर मार देगा सांप काट देगा, हमारे यहाँ ये टेंशन है। अब देखते हैं नेक्स्ट ईयर कार ट्रिप प्लान करते हैं, है ना। सामान पूरा मांगता अपने को, कैंप वैम्प बिल्कुल प्रॉपर सेटअप करने का, खाना वाना बनाने का, व्यवस्था रखने का, है ना, राशन वाशन पूरा लाने का, जहाँ जहाँ हो सकता है वहाँ वहाँ अपन कैंपिंग करेंगे। हाँ, कल का रास्ता बहुत टफ था चांगला का, ठंडा खूब है यार। ये बादल साला कल से अपना पीछा ही नहीं छोड़ रहा है। ब्यूटीफुल मैन, ब्यूटीफुल, बर्फ ही बर्फ है यहाँ पर, हालांकि वहाँ से कम है चांगला से टांगला में, बट ठीक है। रोड कितना प्यारा है यार यहाँ का। हाँ, बर्फ ही नहीं गिरेगा, मौसम खुला है ना। उस दिन तो वहाँ लेह से बारिश आ रहा था ना, उधर खराब है वो सामने वाले पहाड़ पे जहाँ बर्फ गिरा हुआ है, बादल नीचे हुआ है वहाँ। तो चलेगा ये तो लोटा वाला मिट्टी भी है, कम हो तो रहा है ना, बट ये देखना आगे का ब्रेक। पानी से और लाइक आइस, तो मतलब ये आइस के ऊपर चमक जाना। वह इधर खोलना ही पड़ेगा। पानी पानी के रास्ता और उन्नास, इसलिए गानी गाड़ी सांस फूल रहा है, पानी का प्यास लग गया है। ये और ज्यादा करता है
ये भी आ रहा है पहले वाले से ज़्यादा ही टफा रहा है, गला सूख गया है बहुत झंका। आगे से निकल के पानी पीते हैं यार, तुम्हारा नहीं सूखा गला, वो आ रहा है सर। हेलो, तू यहीं पर ही है क्या सामने? देख सुन, सिर्फ पानी पानी के रास्ते ला, कुछ नहीं होगा। अरे भाई आइस पे लाएगा तो फिसल रही है। इधर पे है, इस कोने में, यहाँ वहाँ से ज़्यादा ठंडा है भाई चांगला से, उससे भी ज़्यादा टफ निकला। हर बार नेक्स्ट लेवल ही आ रहा है, ये खाली कहने के है। खरदुंगला सबसे ऊंचा बट टफ था, चांगला उससे कम ऊंचा, वो खरदुंगला से ज़्यादा टफ था, ये तीसरे नंबर पर होगा और भी ज़्यादा टफ था। ब्लैक आइस अलग और की है, यहाँ पर वाटर क्रॉसिंग भी होगा छोटा सा। सीधे पानी पानी से निकाल ले जूते ऊपर करके, निकल जा रहा है, कुछ नहीं है वहाँ। चलो जो भी है जैसा भी है, ये गाड़ी इतनी ऊंची होने के बावजूद भी जैसे तैसे मैनेज कर ही लिया भैया। ब्लैक राइस भी देख ले लो यहाँ, यही देखना बाकी था। अब निकलता हूँ आगे, क्योंकि अपने साथी निकल गए हैं आगे, उन्होंने लगता फोटो वोटो खिंचाई नहीं है, सीधे बढ़ना ही सही समझा। अरे भयंकर भैंस की आग, आज तो हाथ गए, मारो हाथ तो गयो, एडवेंचर नेक्स्ट लेवल एवरी डे। तो भाई यहाँ हाईवे पे एक छोटे से ढाबे पे हम रुके हैं, रेस्टोरेंट लिखा है बस, क्या लिखा हुआ है? अच्छा टैंग टैग लेंगला तागलांगला, तो ये तो हम हो के आ गए अभी। बाकी यहाँ से पांग है 45 किलोमीटर, बहुत बढ़िया नजारा है यहाँ का, बादल छाए हुए हैं आसमान में, टाइम लैप्स लगाया हुआ है हमने, दिस इज अ प्योर डेजर्ट, बोट फट गया अच्छे से, हालत खराब है, बहुत ठंडा हो रहा है यहाँ, पहला डेजर्ट देखा इतना ठंडा। संगीता बाइकर, व्हाट डू यू वांट टू से? और पांग को 45 किलोमीटर है, वो तो मालूम है, बहुत ठंड रहेगा। जो तुमने वो नहीं फंसाया, केमिकल रिएक्शन नहीं फंसाया, ओह थैंक यू सूरी देव, मजा आ गया कसम से, फुल लाइट चमकाने को है, केमिकल रिएक्शन नहीं चमकाया, फिर भी ठंडा लग रहा तुमको। कॉफी आ गई यार अपनी, लेट्स हैव कॉफी, बहुत ठंड है। इस ट्रिप में हमने 3 मोबाइल्स की बलि दे दी है, सबसे पहले सनी का गया, दूसरे नंबर पे मेरा गया, तीसरे नंबर पे मनी का भी चला गया, और इस ट्रिप में सबसे पहले सनी गया, गिरा, दूसरे नंबर पे मैंने, मनी का भी खाता खुल चुका है ब्लैक आइस में फिसल के। कोई भी साबुत नहीं आ रहा, सब गिरे गुरे हैं हम, और मोबाइल खराब कर चुके हैं अपने। बहुत शानदार मौसम है यहाँ का, ठंड उतनी भयंकर लग रही है। चलो भैया, ये बकरी कैसे खड़ी हुई है यहाँ पर, ये बकरी जिंदा थी या फिर मरी हुई थी? तो ये तो मुंडी भी नहीं हिला रही यार। अच्छा यहाँ पर बकरी ऐसी खड़ी रहती है साली, हिलती नहीं। थोड़ी देर पहले मेरी गाड़ी बता रही थी 320 का एवरेज, मतलब रेंज, 470 बता रही है। दोस्तों जिसने ये नहीं देखा उसने कुछ नहीं देखा, लद्दाख के रेगिस्तान में भी यार सुंदरता है, इतनी ब्यूटीफुल रोड देखो, कितनी बिल्कुल सीधी सीधी आगे तक गई हुई है, और सामने बर्फीले पहाड़, दोनों तरफ रेगिस्तान, वाह। भाई आप देख पा रहे होगे यहाँ पर पहाड़ बिल्कुल अलग हो चुके हैं, अभी तक ऐसे पहाड़ चलते थे, अब सामने पहाड़ अलग हो चुके हैं बिल्कुल, उधर पर बर्फ़ भी गिर रखी है, इन पहाड़ों में भी हल्की फुल्की बर्फ़ गिरी हुई है, बट क्लाइमेट बिल्कुल अलग सा हो गया है, दिखने का स्टाइल अलग हो गया है पहाड़ों का। 18 किलोमीटर रह गया है पांग, काफ़ी तेज़ी से हमने ये हिस्सा कवर कर लिया है, अंधाधुंध भी नहीं चला रहे हम, मैक्स स्पीड 90 रख रहे हैं हम, सेफ्टी इज़ ऑल्सो इक्वली इम्पॉर्टेंट। ये लद्दाख का जो सीरीज़ रहा है इसमें मैं बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ रहा हूँ कि मैं क्या छोड़ूँ, क्या ना दिखाऊँ, क्या दिखाऊँ, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न रहा है इस पूरी सीरीज़ में यार, आप कुछ मिस कर ही नहीं सकते हो इसमें, हर 10 किलोमीटर में तो पूरा का पूरा एटमॉस्फेयर चेंज हो जा रहा है, आप देखो उधर को,
वहाँ पहाड़ गायब हो गए। लेह के बाद आपको कोई पेट्रोल पंप नहीं मिलेगा फॉर 300 to 400 किलोमीटर्स अप्रॉक्स। भयंकर बम्प्स है यार। हाँ, बाप रे, रोलर कोस्टर का मजा दे रहा है ये तो। 82 किलोमीटर रह गया सर जी बस। क्या पहाड़ आ गया अब? वेरी गुड। ओहो रे भयंकर, ओहो ऐसा लग रहा है पहले यार समंदर था खाली हो गया। बाय गॉड, ये कितना गहरा है भाई। हाँ बहुत गहरा है यार ये। अब ठीक है, वो सीधे खाई था ना। ऑफ रोड है, ऑफ रोड साटू कटू। क्या पहाड़िया है यहाँ। ये सही है यहाँ का सैडलिंग करके ना पता नहीं लगता ये गड्ढा गुड्ढा हो कुछ हो। एमपी से? एमपी किधर का नंबर है? हाँ धार का है। इंदौर वाले भी तो आ रहे हैं। अच्छा चलो बढ़िया, चलो ऑल द बेस्ट। बताओ इंदौर से आ रखे हैं ग्रुप, करने वाला सब कुछ करता है यार। ऐसी बाइक में भी कर लेता शाइन वाइन में। ठीक है यार रोड यार इतना बुरा भी नहीं है, खाली नाम रखते हैं। अब इससे ज़्यादा क्या लोगे? घर वालों को बोलने का सिंगल पतली रोड में भी चलाया ला अपन। देखो यहाँ का लोग कितना एक्सपर्ट है, कुछ पता नहीं लगता है। ये अभी पीछे से आपने देखा होगा एक वो बना था साइक्लोन, ट्विस्टर बोलते हैं, ट्विस्टर बना हुआ था। इट्स व्हाट्स इनसाइड यू मेक्स यू स्ट्रॉन्ग, नॉट व्हाट इज आउटसाइड ऑफ यू। क्यों भाई सुनील भाई, वरना साला अपने को कोरोना हुआ था मई में, डेढ़ महीने वहा, डेढ़ महीना भी बल्कि नहीं है, अब तो ज्यादा दिन अब हुए, एक महीना हुआ था मैंने राइड वापस चालू कर दी थी है, वो भी डिस्चार्ज वगैरह सब हुआ था अपने को, ड्रेप रेप चढ़ना चुड़ाना सारा काम हुआ। सो इट्स इनसाइड यू व्हाट मेक्स यू स्ट्रॉन्ग, नॉट द आउटसाइड। आए जा रहे घंटा फरसी फरसा हर चीज में भी डी 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 तो है। देखे इसका नाम क्या है, लचुंगला। ऑक्सीजन की कमी की वजह से तो सांस नहीं फूल रहा है, बट ठंडी की वजह से जरूर फूल रहा है। ओहो सामने ट्रक धस गया बेचारा। अरे बहुत वो है, आसान है, आ जाओ पीस ऑफ केक। यहाँ थोड़ा सा संभालना यहाँ पर, मेरे पीछे आ रहा है कौन सा आ रहा है, तुम उस साइड से जाओ, इसमें वो है रोड़ी है। मजा आ गया। ओ भाई साहब बेस्ट लेट टक रही, बट कोई दिक्कत नहीं, आ रहा है ना। अरे इसका तो टायर उड़ गया था। नेक्स्ट सॉन्ग का मजा आया, तुम आगे चलो तुम्हारा वीडियो बनाता हूँ। ये सनीता बाइकर, पीछे का हल्का ब्रेक दाब के रखो, गाड़ी अपने आप जा रहा है। यार रोक लो इनको, जान दो। देखो 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 देख लो टायर उठ जा रहा है उसका। नेक्स्ट सॉन्ग का आज वाटर क्रॉसिंग, हम खड़ा खड़ा क्रॉस करेगा। जेब बात जेब बात जेब बात ये, अरे बहुत ही आराम से। ओहो मजा आया है, अरे मजा आ गया भाई। भाई वहां से आए हम जहां से अभी व्हाइट वाला ट्रक आ रहा है, बहुत प्यारा ऑफ रोड है। मैं तो सजेस्ट करूंगा अगर यहाँ आना हो तो ये ऑफ रोड दिखे तो आ जाना इसके रास्ते। थोड़ा ज़्यादा ऑफ रोड है बट मैनेजेबल है भाई। अगेन आई वॉन्ट से कि मैनेजेबल नहीं है, ऐसा लग रहा है जैसे गोते खाते हुए जा रही है गाड़ी। आए हाय आए हाय, कुछ नहीं खड़े हैं, कम से कम आर्मी वाले को सल्यूट कर लेते हैं। उत्तराखंड, तेलंगाना, उत्तराखंड, उत्तराखंड, हाँ
नैनीताल हाँ देहरादून क्या हो गया लगता और ट्रक आ रहे सामने से ओह हाँ मेरा भी क्लोज कॉल था कॉन्फिडेंट था मैं अरे इतना कॉन्फिडेंस आ गया है यहाँ गाड़ी चला चला गया अब सरचू आएगा ना इसके बाद सौर ये चक्र आरसीसी ये 15,000 फीट बहुत सही वंस मोर लो देखो इधर अरे भैंस की आंख ऊपर ही हो गियर अप हो रहा अब ये कार तो नहीं उठा पाएंगे हम कार नहीं उठा पाएंगे भाई हाँ जान दो इसको जान दो साले को बतेरे शॉर्टकट बना रखे लोगों ने देखो भाई सामने ट्रक गिरा पड़ा है यही है हिसाब का खराब यहाँ की रोड का पहाड़ देखो यार भैंस की आंख कटवट मरे हुए पड़े हैं मैं कहा नेक्स्ट वन भी चल दी अबे मत कर ऐसा तू गया उसके बाद उसने ओवरटेक मार दिया पीछे वाले ने उसको हाइट ज़्यादा होने की वजह से थोड़ा वो हो रहा है ना स्लोप ज़्यादा है अरे गाड़ी लेफ्ट राइट करने लग गई नहीं मेरी पकड़ अच्छी बन जा रही है ग्रिप अच्छी बन जा रही है खुद दिया होगा लगता है गाड़ी जान दे गई